घेराबंदी की और एक के बाद एक तीनों को मार गिराया। लश्कर ए तैयबा से जुड़े ये आतंकी पाकिस्तान से हथियारों का प्रशिक्षण लेकर कश्मीर में आतंकी वारदातों में तेजी लाने के लिए आए थे और इन तीनों आतंकियों के खात्मे के साथ ही कश्मीर घाटी में 2 दिनों में हुई मुठभेड़ों में 6 आतंकी मारे जा चुके हैं। बुधवार को सुरक्षा बलों ने बारामूला मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया और इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस को एक जवान भी शहीद हुआ था। कश्मीर घाटी में जोर पकड़ रही टारगेट किलिंग में अब कलाकारों को भी निशाना बनाए जाने पर कला व रंगमंच से जुड़े लोगों के साथ साथ सियासी दल भी कड़ी निंदा कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि कोई भी मजहब ऐसी हत्याओं की इजाजत नहीं देता और इनकी जितनी निंदा की जाए कम है। और क्या कुछ कहना है कलाकारों और राजनेताओं का, आइए देखते हैं। सर सच बोलूं तो बेहद दुख की बात है कि हमारी जो एक आर्टिस्ट है अमरीना भट्ट जी, उनको इस तरह से किलिंग की गई उनकी, और बहुत 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 ही अफसोस की बात है कि धर्म के नाम पे अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं ये लोग इस तरह सी हरकतें करके। कि क्योंकि हमारा धर्म ये चीज़ें तो कभी सिखाता ही नहीं है, हमारा मज़हब कभी ये चीज़ सिखाता ही नहीं है कि आप किसी को भी जाके ऐसे ही किसी को भी मार दो किसी भी वजह से। और सबसे पहली बात, आपको हक़ ही नहीं है मारने का। ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, भगवान के हाथ में, वो तो वही देगा और वही लेगा। आप कौन होते हैं? आप क्यों खुदा बन रहे हो भाई? आप क्यों भगवान बन रहे हो? आप हो कौन? या तो आप कोई लेटर दिखा दीजिए जिसमें खुदा ने स्पेशली आपको लिख कर दिया है कि भाई ये लो, ये तुम जाके मारो। ये तो गलत है, सीधा सीधा गलत है। और मैं सच बोलूँ तो मैं ही नहीं बल्कि पूरी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी जो है बहुत अभी अफसोस में है। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, और बहुत अफसोस की बात भी है कि लोग इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, और खुदा के नाम पे, मज़हब के नाम पे वो इस तरह से मासूमों का कत्ल करते हैं, मासूमों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो बहुत अफसोस की बात है और मेरी पूरी दिल से सारी कहते हैं कि अफसोस की बात है। मेरे उनके परिवार वालों के लिए भी मैं ऊपर वाले से अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि उनको हिम्मत दे, ताकत दे, और कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सके। माध्यम से मैं यही कहूँगा कि उसकी आत्मा को ईश्वर अल्लाह शांति दे और उन लोगों को नेक नीति दे जिन लोगों ने ये काम किया। क्योंकि कलाकार सबका होता है, उसका बेचारी का क्या कसूर था कि उसको क्यों मारा, किस लिए मारा, और एक लड़की है और उस बच्ची का क्या दोष था। ये उन लोगों को एक भगवान नेक नीति दे। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा काम ना करें क्योंकि कलाकार सबका होता है। मैं तो यही कहूँगा कि जिन्होंने भी ये गंदा काम किया, ये बड़ा क्रूर काम है, क्योंकि हम कलाकार लोग होते हैं, हम सबके होते हैं, हम किसी एक के नहीं हैं। हमारा काम ना, हम ना कोई पॉलिटिकल है, ना ही हमारा किसी के साथ कोई लेना देना होता है। हम एक कलाकार जो होता है वो एक अच्छा इंसान होता है सबसे पहले, जहाँ मैं समझता हूँ, और कलाकार सबका होता है। ये इसको आतंकवाद कम गुंडागर्दी भी कहा जा सकता है। ये लोकल जो पिस्टल डाल करके जो दूसरे इस प्रकार के आते हैं, तो इन्होंने अपना एक डिज़ाइन चेंज किया है। सुरक्षा बलों को इसका संज्ञान लेना होगा और कम से कम जो सुरक्षा बलों ने काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए पाकिस्तान प्रस्त लोग आज भी वहाँ पर इन्फॉर्मर्स बन करके बैठे हैं जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। जल्द ही इस पर भी काबू पा जाए। कश्मीर घाटी के अंदर रोज बर रोज जो है वो घटनाएं हो रही हैं और टारगेट करके वो सैफुल्ला काजी को मार दिया, उसकी बेटी जो जख्मी किया, उसके पहले राहुल भट्ट को मार दिया, उससे पहले पुलिस कर्मी को और टारगेट करके मार दिया, ग्रेनेड हमला बारामूला में किया जिसमें एक रंजीत सिंह नामक जवान की साबित हो गई, 3 गंभीर रूप से जख्मी है। और रोज ये वारदातें होती हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार और बीजेपी के नेता कहते हैं अंतिम चरण पे है विंटर की, ये तो नमक छिड़कते हैं और कहते हैं नॉर्मल सी होगी। लेकिन ये टारगेटेड किलिंग मैं समझता हूँ इस 1.5-2 साल में ही हुई, उससे पहले ब्रास फायरिंग अटैक वो चलते थे, लेकिन टारगेट करके ये किलिंग कश्मीरी माइनॉरिटी की, कश्मीरी हिंदू की, कश्मीरी पंडित की, सिख की और बाहर के लोगों की, वहाँ के जो देशभक्त मुस्लिम है उनकी, और वो लोग जो सिक्योरिटी फोर्स के उसमें है और पुलिस वालों को डिस्टर्ब कर डिमोरलाइज करने का ये है, इसलिए सरकार को बिहार वाले से ज़्यादा एक्शन करना चाहिए।
प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासिन मलिक को टेरर फंडिंग के दो मामलों में कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि देश की न्याय प्रक्रिया में देर है लेकिन अंधेर नहीं। उन्होंने कहा कि यासिन मलिक ने जो गुनाह किए थे कोर्ट ने उसे उनकी सजा दी। वहीं भाजपा नेता व पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने भी कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोर्ट जल्द ही यासिन मलिक पर लगे अन्य गंभीर मामलों की सुनवाई कर उनको सजा देगा जिससे कई शहीद परिवारों को न्याय मिलेगा। देखिए कानून ने अपना काम किया, लॉ ऑफ लैंड हैज टेकन इट्स कोर्स और जो गुनाहगार है उसको गुनाह की सजा मिलती है। इस देश में जुडिशियल प्रोसेस है, कानून प्रणाली है और जुडिशरी जो है वो देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए यासीन वाले को अपने गुनाहों की सजा मिली है और उसने सजा अपनी कबूली है, उसने अपना गुनाह कबूल किया है इसलिए सजा हुई है। और जब एक मुल्जम अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और उसके बाद फिर किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होती तो इसलिए उसको सजा हुई है, इसलिए अदालत ने जो माकूल सजा थी उसको सुनाई है। और भी संगीन आरोप उसके ऊपर है, उस आरोप पे भी जो है वो सजा होनी चाहिए, उसमें एविडेंस चलेगा और हमें विश्वास है देश की जुडिशरी पे, कानून प्रणाली पे। हम रूल और लॉ पर विश्वास करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा कानून और कानून प्रणाली और कानून प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं। बहुत देर से ये केस पेंडिंग थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोबारा इस प्रकार के केसों को आगे चलाया। हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं जिन्होंने की इस प्रकार की सजा इनको सुनाई। लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी कि इस प्रकार के दरिंदे को जिसने कई एयरफोर्स के लोगों की हत्या की, कई अपहरण किए, कश्मीरी पंडित समाज का विस्थापन हुआ, इन्हीं की देन थी और इनको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए थी। तो लेकिन ये कानून के मुताबिक टेरर फंडिंग में जो भी प्रावधान है उसके दौरान उसको सजा मिली है और हम ये भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वो जो केसेस उन पर पेंडिंग हैं उनका भी फैसला आए ताकि लोगों को सही इंसाफ मिल सके। जिन लोगों के साथ ये घटनाएं घटी हैं, जिन शहीदों की कल भी उनके परिवारों से बहुत सी ऐसी इंटरव्यूज आ रही थी और वो लोग वाकई में ही कांग्रेस सरकारों ने जो इनको मेहमान बना के रखा, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर एक्शन किया है। 0% टॉलरेंस जो हमने एक प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आतंकवाद के प्रति, तो मुझे लगता है कि जल्द ही उन लोगों को बाकी केसों का जब फैसला आएगा तो इंसाफ मिलेगा। जम्मू के मर ब्लॉक की धतरियाल पंचायत में गोवर्धन प्रोजेक्ट के तहत स्थापित गोबर गैस प्लांट शुरू कर दिया गया है और ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त सचिव मनदीप कौर, विभाग के अन्य अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आज इस प्लांट का शुभारंभ हुआ। इस प्लांट की देखरेख की जिम्मेदारी पंचायत को सौंपी गई है और स्थानीय लोगों ने भी गोवर्धन प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए बताया कि उन्हें इस प्लांट का बेहद फायदा होगा। आज यहाँ पर हमारे गोवर्धन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ है। अभी इस हमारे पिछले फेज़ में दो गोवर्धन प्रोजेक्ट्स उठाए गए थे, एक आरएसपुरा में एक मड़ में। ये दूसरा प्रोजेक्ट है जिसका जो फंक्शनल कर दिया गया है। इस साल में हमारे पास 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाने का टारगेट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट के, पंचायत के इन्वॉल्वमेंट के नहीं चल सकता। इसमें यूज़र चार्जेस का भी प्रोविज़न है, इसमें 20 से 25 फैमिलीज़ को गैस मिलने का प्रोविज़न है जो कि कनेक्ट ऑलरेडी किए जा चुके हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी पंचायत और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के इन्वॉल्वमेंट से ये प्रोजेक्ट पूरा फंक्शनल होगा। इसकी मेंटेनेंस वगैरह का जिम्मेदारी पंचायत के ऊपर ही होती है, जो फैमिलीज इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर ही होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोजेक्ट में यूज़र चार्जेस और लोगों ने जो इसमें गोबर कंट्रीब्यूट करना है इस प्लांट को चलाने के लिए, उसका एक सिस्टम बनाया जाएगा और उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इसका फ़ायदा ये है, जो गोबर डालते हैं हम, गोबर डाल के गैस चला लेंगे, 300 महीने का बोल रहे हैं, 300 दे देंगे हम, 10 रुपये रोज़ के आएंगे, महीने का 300 दे देंगे तो गैस 80 चल रही है। अभी सभी को होनी चाहिए, सभी गाँव के होनी चाहिए। हाँ, एक बंदे को थोड़ी 10-20 घर लग गए तो बाकी रह गए, सभी को आनी चाहिए।
शनिवार 28 मई को 24 घंटों के काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे पीएचई डेली वेजरों को विभाग के नियमित मुलाजिमों ने भी अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के सदस्य करताज चंद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी और उन्होंने सरकार को एक बार फिर इन डेली वेजरों को नियमित करने और बकाया मानदेय का भुगतान करने की मांग की। करताज चंद ने नियमित मुलाजिमों की भी डीपीसी करने सहित अन्य मांगों को उजागर करते हुए सरकार से उन्हें जल्द पूरा करने की मांग की है। ये आज 30 साल से यहाँ जूझ रहा है, आज तक इनकी रेगुलाइजेशन के लिए किसी ने प्रोसेस नहीं किया है। मेन जो डिमांड है उनकी वो रेगुलाइजेशन के लिए है और दूसरी डिमांड उनकी है बेजिस जो 70 महीने का बकाया है और रेट उनका हो जाए दिल्ली ड्यूटी का 618 रुपये, तो वो उनकी मेन दो तीन डिमांडें मेन हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि हम मॉरल सपोर्ट उनको 2829 को देंगे, मगर जैसे हमारा रेगुलर स्टाफ है, रेगुलर स्टाफ के साथ इतनी यहाँ जायती हो रही है कि एक डीपीसी का मुद्दा है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने बार बार नोटिस निकाले हैं कि एक महीने में हर माह में डीपीसी की जाए मुलाजिमों की, ताकि वो अच्छा वेतन उनको मिले और अच्छी पेंशन लेके वो घर जाएं, मगर हमारे डिपार्टमेंट ने उसमें ज़रा भी कुछ काम नहीं किया। ये दो साल से हमारे चीफ साहब आए हैं, एक भी डीपीसी चीफ साहब की रहनुमाई में यहाँ नहीं हुई है, रिक्रूटमेंट यहाँ नहीं हुई। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है और जनता की समस्याओं के हल के लिए भाजपा नेताओं द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसी कड़ी में आज पार्टी के जिला कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष युधवीर सेठी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इसी दौरान कुछ समस्याओं का समाधान इन नेताओं ने मौके पर ही कर दिया, जबकि अन्य समस्याओं को जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया। अलग वार्डों से और अलग अलग क्षेत्र से जो लोग जिनकी ग्रीवेंसीज होती हैं वो यहाँ पे आते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं उनके ग्रीवेंसीज सुन के जल्द से जल्द उसका निपटारा करें। आज भी यहाँ पर बिजली, पानी, लोन और जगती से भी आज युवा मोर्चा यहाँ पे आया है। मेरे सर केनी साहब हैं और हमारे सीनियर नेता यहाँ के अरुण सेठी जी भी अपना डेपुटेशन लेके आए हुए हैं और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो मोदी जी चाहते हैं, जो मोदी जी कहते हैं कि आखिरी व्यक्ति जो पंक्ति में बैठा है उसको भी किस प्रकार से हर मूल सुविधा के साथ अवगत कराया जाए। हम लोग इसके माध्यम से छोटे छोटे मसले लोगों के होते हैं, पानी का, बिजली का, किसी पुलिस वाले का, डीसी ऑफिस पे, डिपकॉम में, कॉरपोरेशन में, हम कोशिश करके उसका निपटारा करते हैं और बड़ी खुशी की बात है कि अब वीरवार को खुद अपने आप लोग फोन करके यहाँ पे आ रहे हैं, जो उनका विश्वास नरेंद्र भाई मोदी जी पे बना है। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस केंद्र शासित प्रदेश में शराबबंदी लागू करने के अभियान को जारी रखते हुए आज बाड़ी ब्राह्मणा में जम्मू पठानकोट हाईवे पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में दर्जनों शिव सैनिकों ने इस मांग को लेकर नारेबाजी की और साहनी ने अपने संबोधन में कहा कि मंदिरों के इस पवित्र नगरी में चप्पे चप्पे पर शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने के साथ साथ युवा वर्ग शराब की लत का शिकार हो रहा है। सरकार अपना राजस्व एकत्रित करने की आड़ में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मंदिरों के शहर को, गुरुओं की इस पवित्र धरती को, पीर पैगंबरों, ऋषि मुनियों की इस पवित्र धरती को शराब मुक्त किया जाए, यानी यहाँ पर शराबबंदी लागू की जानी चाहिए। देखिए, हमें अच्छे दिनों का झांसा दिया गया था, अच्छे दिनों का वादा किया गया था। 5 अगस्त 2019 को भी जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, यहाँ पर विकास, रोजगार और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का, विकास और अमन बहाली का वादा किया गया था, ना कि यहाँ चप्पे चप्पे पर शराब की दुकानें खोलने का। आज जम्मू की, जिसको मंदिरों की धरती कहा जाता था, मंदिरों की नगरी कहा जाता था, उसकी पहचान आज शराब की नगरी की तरह बनी जा रही है। तो हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत ना हो, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से हम अपील करते हैं कि मंदिरों, गुरुओं, पीर पैगंबरों, ऋषि मुनियों की इस नगरी को, इस धरती को शराब मुक्त बनाया जाए, जल्द से जल्द यहाँ पर शराबबंदी लागू की जाए।
जम्मू स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर आज चौथे दिन भी रहबरे खेल टीचरों का धरना प्रदर्शन जारी रहा और आज भी रहबरे खेल टीचरों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे रहबरे खेल टीचरों का कहना था कि वो पिछले चार दिनों से इस भीषण गर्मी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विभिन्न अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बावजूद भी उनकी मांगों पर अभी तक गौर नहीं किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगे न मानी तो वो उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। आज हमारा चौथा दिन है, यहाँ पे चार दिन हो गए हैं। बीजेपी के सभी लीडर तकरीबन हमें मिल चुके हैं, तो आश्वासन तो कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से लगे हैं, हम कर रहे हैं, हम करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन से अब हमारी यही गुहार है कि वो जल्दी से इस मैटर को देखें, क्योंकि काफ़ी दूर से डिस्ट्रिक्ट से किश्तवाड़ से लेकर पूंछ तक के फीमेल्स यहाँ पर आई हुई हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने घरों में छोड़ के आए हैं इस गर्मी में। तो अगर किसी को कुछ हो गया यहाँ पे, कौन रिस्पांसिबल होगा यहाँ पे? तो हम बीजेपी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मैटर पे जल्द से जल्द जो इन हमारी डिमांडें हैं उनको फुलफिल की जाए। एक तो जो डी फ्रीज की गई हुई पोस्ट है उनको फ्रीज का हमारे कुछ रिटर्न में हमें दे दें, तो और हमारी रेगुलाइजेशन के बारे में बताएं हमें क्या है जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट स्टेप हमारा, अब हम प्लान कर रहे हैं अपना, हम स्टार्टिंग अपना प्लान अभी बताना नहीं चाहते आपको, क्योंकि अब हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं इस गर्मी में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बुरी हालत हो चुकी है लोगों की। नेक्स्ट स्टेप हमारा इससे बड़ा ही होने वाला, जो भी करेंगे। अभी तक हमने वायलेशन नहीं की है, आराम से बैठे हैं, अपनी आवाज़ रख रहे हैं, अपनी प्यार से बैठे हैं यहाँ पे, कोई हमने एक सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपनी डिमांड रखी है अपने। अब अगर हमें मतलब ऐसा नहीं किया गया हमारे साथ, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता हमारे फिर प्रोटेस्ट हमारा बढ़ता ही जाएगा, दबाव हमारे पे आता ही जाएगा, प्रोटेस्ट बढ़ता ही जाएगा, और ये प्रोटेस्ट एक दिन कुछ और मोड़ ना ले जाए, इससे अच्छा है पहले ही कुछ हमें हमारे लिए हमारे फेवर में कुछ आ जाए। तो हमारी ये एलजी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि जो हमारी फ्रीज पोस्टें थी, जो डी फ्रीज करी गई थी, उनको फिर से जैसे था उनको वैसे किया जाए, जैसे न्यूज़पेपर पे आया था फ्रंट पेज पे, ऐसे ही अगर हमारा आर्डर भी उसी तरीके से फ्रंट पेज पे आ जाए तो तब ही हम यहाँ से उठेंगे, अदरवाइज सर हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। सर घर से दिन रात बाहर रहना दिक्कत ही होती है फीमेल के लिए, तो ज़्यादा ही होती है, आपको पता है दिक्कत तो आती है सर, हर चीज़ की दिक्कत आ रही है। लेकिन सर हम कोई खुशी से यहाँ थोड़ी ना बैठे हैं सर, हमें परेशान किया गया है, चार साल फ्री सर्विस करने के बाद हमें एकदम से हमारा आर्डर निकाला जाता है, और हम अपनी फील्ड में, उस टाइम भी सर मैं काम कर रही थी सर, मैं उस टाइम एथलेटिक मीट की 100 मीटर रेस करवा रही थी, जब मेरे फ़ोन पे ये मैसेज आया कि ये आर्डर निकला, तो सर मैं तो शॉक्ड हो गई। फ्री, बिल्कुल फ्री सर्विस देने के बाद सर हमें इस तरह की न्यूज़ मिलती है, इस तरह का आर्डर मिलते हैं, हमें तो सर समझ ही नहीं आता है सर, हम क्या करें। जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू वासियों ने जम्मू नगर निगम के कार्यों पर सवाल उठाए और लोगों का आरोप है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए बनाई गई लैंडस्केप अपनी हालत पर आंसू बहा रही है, लेकिन जम्मू नगर निगम इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने नगर निगम से नए कार्यों के साथ साथ शहर को सुंदर बनाने के साथ साथ पुरानी चीजों का रखरखाव करने की भी मांग की है। देखिए, जो बिक्रू चौक में फाउंटेन बना हुआ है वो पुराना एक ऐतिहासिक मॉडल है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि जो भी पर्यटन आए उसको देखे, एक जम्मू की खूबसूरती बढ़ेगी। और जो सरकार जो स्मार्ट सिटी का जो डंका बजा रही है, जो स्मार्ट सिटी को लेकर अनेकों तरह के इन्होंने जो प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो पुराने धरोहर हैं उनको भी अच्छी तरह से उनकी देखभाल हो, और उससे ज़्यादा सिटी की जो है शोभा बढ़ेगी, और जो बाहर से आएगा वो देखेगा कि किस तरह से जहाँ पर चीज़ें जो हैं वाकई स्मार्ट हैं। लेकिन अगर इस तरह से स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी कि खाली पार्किंग के पैसा इकट्ठा करने के लिए, वो उससे कोई ज़्यादा पब्लिक को फ़ायदा नहीं होने वाला है, ना ही कोई सिटी की जो है स्मार्टनेस बढ़ेगी। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा, हमारे में कहते हैं आगे दौड़ पीछे छोड़,
देखिए ऐसा है कि स्मार्ट सिटी बन रही है, जम्मू में स्मार्ट सिटी बन रही है, बहुत अच्छी बात है। दीवारें जो पुरानी पुरानी हमारे जो पुराने राजे महाराजाओं की जो पेंटिंग लग रही है, अच्छा सज रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो पीछे वाला जो ऐतिहासिक हमारी चीज़ें थी वो भूल रहे हैं, वो पीछे जा रही हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, आगे आगे के लिए बढ़ रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि आप जो पीछे वाली हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं को जो वो शायद आज के टाइम में वो बने भी नहीं, जो बनी हुई है आज के टाइम में शायद वो बने भी नहीं, तो उनको देखना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए। और म्यूनसिपल्टी को हर जगह देखना चाहिए कि एक ही ये नहीं है कि सिटी में पुल पर पेंटिंग करा ली तो या था कहीं करा ली, वो नहीं, वो हर जगह अगर स्मार्ट सिटी बन रही है तो स्मार्ट सिटी के हिसाब से हर जगह पे। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त राशन उपलब्ध करवाने का सिलसिला जारी है। आज आरिसपुरा के गांव चक इस्लाम में गरीब लोगों में राशन वितरित किया गया और इसी दौरान स्थानीय लोगों और पंचायत के सदस्यों ने गरीबों में राशन वितरित करने के लिए मोदी सरकार का आभार जताया। इसके साथ ही लोगों ने बायोमेट्रिक पर जिन लोगों के अंगूठे नहीं लगते उन्हें राशन उपलब्ध करवाने के लिए अन्य विकल्प की मांग की। मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि गरीबों वास्ते स्कीम चली, गरीबों नूं इह राशन मिले कर रहा। पहले थोड़ी बहुत इस दे विच कमियां सन जिहड़ियां कि अज मोदी सरकार दी तरफों जिहड़ा ऑनलाइन सिस्टम है सारा, यह गरीब नूं ही माल जा रहा सारा, अंगूठा लग के मिलना गरीब नूं माल मिलना ते बहुत अच्छी गल है। पहले तो काफ़ी घोटाले हुए लेकिन इस टाइम जिहड़ा बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा। असीं मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने हैं कि गरीबों नूं इसे चला ही माल मिले, अमीर आदमी इस दे विच शामिल ना होए, जिहड़े थोड़े बहुते अमीरां नूं मिल रहे हैं वो सारे कट जाने चाहिए ते और गरीबों नूं ही मिलना चाहिए। ते पहले राशन जिहड़ा कई बार खराब आंदा, इस बार किस बार राशन मिल रहा? बहुत अच्छा राशन आ रहा, बहुत अच्छा साफ सुथरा चावल, साफ सुथरे ने आटा जिहड़ा वो भी बहुत वधिया मिल रहा सारे। मैं मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद करना जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी आम जनता नूं राशन फ्री वंडिया, और 6 महीने भी उन्हों की जी अपनी अपनी डेट सी वो बढ़ा दी और आम लोगों नूं राशन खूब मिलिया और राशन वधिया भी मिलिया। मैं एक अपील करना मोदी सरकार नूं कि जो बजुर्ग ने कहिंदे उन्हां दा अंगूठा लगेगा तो उन्हां नूं राशन मिलेगा, लेकिन एक कारण यह बन गया है कि बजुर्गों के जो अंगूठे ने वो घस गए ने, बजुर्गों का अंगूठा नहीं लगता, जो डीलर है वह कहता तुहानूं राशन नहीं मिलेगा। मैं मोदी सरकार अगे बेनती करना कि इस पॉइंट का जल्दी तो जल्दी कोई उपाय ढूंढन और बजुर्गों नूं राशन दिता जाए ता कि जिहड़े गरीब आदमी ने वो बार बार चक्कर कटते हैं डीलरों को जाके, और डीलर एक ही बहाना आवाज छड़ते हैं कि तुहाडा जिहड़ा अंगूठा वो सही मैच नहीं करता। रिटायर हो चुके हैं मुलाजम, उसके बारे की कहना? अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।